सीएनटी एसपीएनटी एक्ट को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। सीएनटी एसपीएनटी एक्ट को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है, जहां एक तरफ बाबूलाल मरांडी धरने पर बैठते हैं तो दूसरी ओर जेएमएम के लोग राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ पूर्व सांसद भुवनेश्वर महतो जी हैं। सर आप बताइए कि सीएनटी एसपीएनटी एक्ट को लेकर माहौल कितना क्यों बिगड़ा हुआ? सीएनटी एसपीएनटी एक्ट काफी कुर्बानी और शहादत के बाद बना है, न केवल आदिवासी बल्कि दूसरे भी जो दलित हैं, अन्य पिछड़ी जातियाँ, अन्य पिछड़े लोग हैं, उनके लिए जमीन के लिए सुरक्षा कवच है। और इसमें वर्तमान सरकार मात्र पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये इसमें संशोधन करना चाहते हैं। पहले भी इस पर शुरू किया गया था, हेमंत सोरेन जब थे उसमें भी बातें आई थी। हम तमाम वाम दल के लोग, सीपीआई, सीपीएम, मास्टर हॉरर ब्लॉक, आरएसपी, सीपीआई माले, जब मिल करके हम लोगों ने तय किया था, ये फैसला हम लोग का है कि किसी तरह का छेड़छाड़ सीएनटी और एसपीटी एक्ट में नहीं होगा। अगर किसी तरह का छेड़छाड़ होगा, हम तमाम लोग झारखंड की जनता लोग लेकर के सीधे हम आंदोलन पर उतरेंगे। सर, इसका सर विपक्ष का कहना है कि वो बिना चर्चा करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था, सर इसमें क्या बोलेंगे? यहाँ तक ये है कि ये विधानसभा में दलाया नहीं, जस्ट विधानसभा खत्म हुआ 29 तारीख। अगर इसमें कुछ सुधार लाना था, संशोधन लाना चाहते थे तो लाते विधानसभा में, आम जनता में प्रचारित करते, हम जनता से भी राय लेते, विधानसभा में भी बहस होता, बहस के बाद जो बात निकलती है उसके बगल विचार करते। लेकिन इन्होंने तो एक छत्र है, ये डेमोक्रेसी के एक तरह से हत्या कर रहे हैं, ना केवल इसे सारे तरह से जमीन का अधिग्रहण जैसे तैसे कर लो, पूंजीपतियों के पक्ष में जाओ। सी एन टी और एस पी टी एक्ट में जो संशोधन करना चाहते हैं, मात्र हिंदुस्तान के पूंजीपतियों को ये फायदा पहुंचाने के लिए जैसे तैसे हो जमीन उनको दिया जाए, इसीलिए करना चाहते हैं। हम तमाम वामदल के इसको विरोध करते हैं और हम आगे आंदोलन करेंगे। सर इन दिनों रघुवर दास दिल्ली में थे और ये वो लगातार पूंजीपति से मिल रहे हैं, उन्हें ऑफर दे रहे हैं कि वो झारखंड में आकर निवेश करे और जमीन की बात हो तो आवंटित नहीं करते हैं, सर इसमें झारखंड को कितना लॉस है? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि हम लोग कल कारखाने खुलने के विरोधी नहीं है, बाबू हम चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि झारखंड में जो जैसा कि मैंने कहा कि सीएनटी जो कवच है, सुरक्षा कवच है, इसमें किसी तरह का सुधार हो, फिर ये उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण कहते हैं इसे कर ले पूंजीपतियों से, इसका हम लोग बहुत विरोध करते हैं। बाकी यहाँ तो उपजाऊ जमीन कम है, ये दूसरे तरह का पथेली और दूसरे तरह का जमीन ज़्यादा है, उस पर आप कर खलकाना करो, लोगों से राय लो। और 2013 में जो भूमि अधिग्रहण विधेयक पास हुआ पार्लियामेंट में सितंबर में, उसमें जो प्रावधान है उसको देखते हुए, उसको लागू करते हुए, आप कर चुकी है, नियम है कि वो जब भी कोई पब्लिक सेक्टर में कल कारखाना लगेगा तो 70% जनता की रजामंदी लेनी होगी, जहाँ प्राइवेट सेक्टर में लगेगा तो 80% जनता की रजामंदी लेनी होगी, तो वो करते नहीं है। ये लाठी के बल से, गोली के बल से कहीं बुला कर बिना देखे वही कर देते हैं, जाता है फरमान रघुवर दास के, सरकार का फरमान गया, डीसी एसपीडीसी वगैरह के लेकर के इनको कर देते हैं, जनता का हो गया आमसभा। आमसभा तो वहाँ होता है जहाँ वो स्पॉट है, जहाँ कल कारखाना खुलेगा वहाँ ग्रामीण जमा होगा, वहाँ ये काम नहीं करते। और इसीलिए हम कल कारखाना खुलने के हम विरोध में नहीं है, लेकिन गरीबों के छाती पर, रहितों के छाती पर, रहितों की जमीन जबरदस्ती लेके अगर खुलना चाहते हैं तो उसका हम डट कर मुकाबला करेंगे, हम लोग विरोध करेंगे और हम आंदोलन के बनाने जा रहे हैं। 21 तारीख को हमारा वो है कन्वेंशन है जिसमें सारे लोग इकट्ठा होंगे, हम कोशिश इन तमाम सवालों को लेकर के हम ये नवंबर महीने में एक आम सभा करें, रैली करें, सबको जुटावे में से वाम दल तमाम सेकुलर जो धर्म पेश ताकते हैं उसको फिर सामाजिक संगठन बुला करके इस लड़ाई को तेज करेंगे। तो तमाम विपक्ष दल के जो पार्टी हैं वो नाराज दिख रहे हैं रघुवर सरकार से, अब देखना ये होगा कि रघुवर सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। अपने सहयोगी संजय टोपो के साथ अंकुर सिन्हा, जेके न्यूज़ रांची।